नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने ईमेल आईडी को अपने मोबाइल से कैसे रिमूव करते हैं। दोस्तों कई बार होता क्या है कि हम अपने दोस्तों को ईमेल आईडी अपने फ़ोन में डाल कर साइन इन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ईमेल आईडी है और यहाँ पे इस दोनों ईमेल आईडी को मैं हटाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए कभी कभी हम अपने दोस्तों का ईमेल आईडी डाल के साइन इन कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे लॉग आउट करने का यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि इस ईमेल आईडी को कैसे रिमूव करते हैं। दोस्तों डिलीट नहीं कर सकते हैं, इसे हम जानेंगे कि कैसे रिमूव करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको दो तरीके बताऊंगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसे अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों पहला तरीका ये है कि हम चलते हैं अपने सेटिंग में, अपने फोन की सेटिंग में, और सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट्स एंड सिंक। यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट्स एंड सिंक। दोस्तों यहाँ पे चाहे तो आप अकाउंट्स एंड सिंक लिख के ढूंढ भी सकते हैं, और यहाँ पे हम अपने अकाउंट एंड सिंक पे क्लिक करके हम इसे ओपन करते हैं। ओपन कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है गूगल का, यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल। दोस्तों ईमेल आईडी गूगल का प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम ओपन करते हैं यहाँ पे गूगल को। अब यहाँ पे अपने फ़ोन में जितने ईमेल आईडी से लॉगिन रहते हैं वहाँ पे वो ईमेल आईडी आपका दिखलाई देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे दो ईमेल आईडी से लॉगिन हूँ, तो यहाँ पे हमें दो ईमेल आईडी शो कर रहा है। तो इसे लॉग आउट करने के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस ईमेल आईडी को लॉग आउट करना चाहता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस टिक मार्क पे, और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मोर का, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा मोर पे। इसके बाद फाइनली आपको क्लिक कर देना होगा रिमूव अकाउंट, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको फाइनली रिमूव अकाउंट पे क्लिक कर देने से आपकी ईमेल आईडी यहाँ से रिमूव हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसी तरह से आप इस ईमेल आईडी को भी रिमूव कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आप अपने प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा। आपके फोन में प्ले स्टोर होगा, आप उसे ओपन कीजिएगा। प्ले स्टोर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी की फ़ोटो लगी होती है। अगर फोटो नहीं लगा होगा तो आपके ईमेल आईडी के यहाँ पे पहला लेटर लिखा होता है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दिख जाती है, इसे अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से जाना होगा गूगल में, यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और इसके बाद फिर से आप क्लिक कीजिएगा मोर वाला ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ये ईमेल आईडी रिमूव होने वाला है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा मोर पे, और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा रिमूव अकाउंट। यहाँ पे फाइनली इसे रिमूव करने के लिए आपको क्लिक कर देना होगा रिमूव अकाउंट। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिला है डिवाइस प्रोटेक्शन फ्यूचर विल नो लॉन्गर वर्क, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा ओके, क्योंकि हमें अपने डिवाइस का प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम अपने डिवाइस में एक भी ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने ईमेल को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ओके पे, और यहाँ से अब आपकी ईमेल आईडी रिमूव हो जाती है। जैसा कि यहाँ से हम बैक करके आते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम गूगल प्ले स्टोर में आ रहे हैं, तो हमें साइन इन करने को कहा जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़े आसानी से अपने फ़ोन की ईमेल आईडी को गूगल प्ले स्टोर या फिर अपने फ़ोन से रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।